जो है इस रोड के ऊपर बहुत सारे गड्ढे गिरे और स्कूल के बच्चों को तकलीफ होती है, यहाँ के नागरिकों को चलते समय तकलीफ होती है और लोग खाली पीली शिवसेना को ब्लेम करती है। लेकिन शिवसेना को ब्लेम करते समय लोगों को पता नहीं चलता कि यहाँ पे चुन के आने हुआ नुमाइंदा कौन है। मैं तो कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे एमएलए आशीष जी शेलार है भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पे कॉर्पोरेटर हेतल जी गाला है भारतीय जनता पार्टी की, तो उनका कर्तव्य है कि खड्डे का लोगों को राहत दिलाने चाहिए खड्डे के माध्यम से। सब जन शिवसेना को टारगेट करते, लेकिन हम लोग ने आज ये विद्यार्थी के माध्यम से पोर्टल की फोटो निकाले, ये चित्र हम लोग म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजेंगे, ये चित्र हम आशीष जी शेलार को भेजेंगे और उनको कहेंगे जो आपको प्रशासन का फंड मिलता है, हेतल जी गाला जी को फंड मिलता है, आशीष जी को फंड मिलता है, तो तुरंत उन्होंने यहाँ पे आके ये खड्डे बुझाने चाहिए ताकि वो चुन के आए, लोगों ने उनको यहाँ के प्रतिनिधित्व चुना है, तो उनका करते हुए आशीष जी शेलार हमेशा शिवसेना को टारगेट करती है और शिवसेना को बदनाम करने के लिए खुद के वार्ड के भी खड्डे और पानी चैनल के माध्यम से बताते हैं और शिवसेना को बदनाम करते हैं और खुद को पारदर्शकता महानगर पालिके के पारे करी गए थे। तो हमने आज सब्जेक्ट लेके किया है कि आशीष जी शेलार के खुद के वार्ड में इतने खड्डे है, खुद के वार्ड में इतना पानी जमा हुआ है, तो आशीष जी शेलार की भी जिम्मेदारी है और उनके चुन के आए हुए कॉर्पोरेटर की भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने यहाँ पे आके फंड यूज करके लोगों को राहत दिलाने चाहिए। ये शिवसेना की मांग है, शिवसेना अन्याय के खिलाफ उतरती है। उद्धव जी ठाकरे साहब ने हमको हमेशा कहा है कि जहाँ जहाँ अन्याय होता है वहाँ पे रस्ते पे उतरो, सत्ता की चिंता मत करो। लेकिन भाजपा का भी यहाँ पे कर्तव्य है, वो कर्तव्य बताने के लिए आज हम लोग शिवसेना इस विद्यार्थी को लेके हम लोग रस्ते पे उतरे। सर, आपने हेतल गाला जी ने आशीष जी से ये बात की, यहाँ के रहवासियों ने उनसे बहुत सारा फॉलोअप हो रहा है, रोज चिल्ला दे वो रोज यहाँ से गाड़ी, आज ही उनका कार्यालय का उद्घाटन है हेतल गाला जी के, आशीष जी शेलार आ रहे, सांसद पूनमताई महाजन आ रहे। मैं तो आपके चैनल से माध्यम के आप भी उनको बताओ कि आज का उद्घाटन रद्द करो और पूरे टीम को लेके यहाँ पे आइए और रस्ते की मरम्मत करके लोगों को राहत दिलाओ। उनका क्या कहना है आशीष जी, आपको तो रीजन दिया होगा, उनका एक्चुअली ऐसा कहना कि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने उनके साथ बराबर से, उनकी जिम्मेदारी है, वो चुन के आए हुए लोग है, उनका फंड है, उनके कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्टर को पनिशमेंट करना चाहिए, उन्होंने मेयर साहब को बताना चाहिए और आमदार साहब भी अभी इतने यहाँ पे रूलिंग करते तो उन्होंने उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आप किस तरह से जा रहे हैं, आज तो किया लेकिन अभी क्या आप जा रहे हैं उनसे? हम लोग फॉलोअप करेंगे, हम लोग एमसी को, मुंबई एमसी को ये जो बच्चे लोगों ने निकाले हुए चित्र भेजेंगे, आशीष जी शेलार को भेजेंगे, हेतल जी गाला को भेजेंगे कि उनको भी थोड़ा किधर तो भी शर्म ही आनी चाहिए कि मेरे वार्ड में क्या हो रहा है और उन लोग रास्ता बनाना चाहिए। मुझे कहा कि वो कहीं पर कुछ काम कर रहे हैं, एक्चुअली कुछ काम हो रहा है और उनका एक्चुअली वीडियो भी आ रहा, जाओ माफी भी मांग रहे हैं। अरे माफी नहीं, अभी अभी बेदर रोड का है जो पूरा रोड आज खड्डे में है, वो रोड ही नहीं है, पूरे खड्डे और रोड पे वहाँ पे बात हो रही है। इस रोड पे आज तक कुछ काम नहीं हुआ है, वार्ड ऑफिसर को चार बार लाके दिखाया, परसों ही उनको विजिट था वार्ड ऑफिसर का कि हम दो दिन में करेंगे, मगर वो कोई यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे और यहाँ पे जो बच्चे लोग की जो हालत है, आज उनके पालक हमारे यहाँ के बोल रहे हैं कुछ करो। आज एसवी रोड पे एमएमआरडी का काम चालू है, आज पूरा ट्रैफिक इन्होंने यहाँ से डिवाइड किया है, आज इतने कट्टे और इतना ट्रैफिक के यहाँ के रहने वाले रहवासों की हालत खराब हुई है कि उनको घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और जो स्कूल में बच्चे लोग, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोक प्रतिनिधि को हम लोग जिम्मेदार मानते हैं। ये क्यों मानते हैं जबकि बीएमसी ऑपरेशन में है, शिवसेना के हाथ में सब है, वही देखते हैं। अगर बीएमसी के कार्यकारिणी की बात करें आप तो बीएमसी की जिम्मेदारी है, देखो बीएमसी की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पे तो मैं आमदार ने, यहाँ पे तो सुनील मोरे कॉर्पोरेटर ने, अगर मैं आमदार एक कॉर्पोरेटर कोई भी हमारे अगर शिवसेना का लोक प्रतिनिधि यहाँ पे चुन के आता था तो मैं आपको 100% बोलता हूँ ये समस्या यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ती थी, क्योंकि शिवसेना का काम है जहाँ जहाँ समस्या वहाँ पे शिवसेना। वो तो आपको दिख ही रहे ना तालमेल, देखो हम हमारा काम कर रहे हैं, बीजेपी का काम कर रहे हैं, लेकिन हमको भी हमारा भी कर्तव्य है कि बीजेपी के भी जो लूप होल्स है वो लोगों को बताना चाहिए चैनल के माध्यम से, वो हम बता रहे हैं। ओके, बीजेपी और शिवसेना में तालमेल नहीं है, इस वजह से तालमेल का सवाल नहीं, काम का सवाल है। अगर आशीष शेलार शिवसेना का नहीं क्या जो लूपोल्स बताते हैं, यहाँ पे शिवसेना के वजह से खड्डे, यहाँ पे शिवसेना के वजह से पानी है, बड़े बड़े सिंगर लोगों को लाके मुंबई के ऊपर गाने बनाते हैं, लेकिन आशीष जी शेलार के इस वार्ड में खुद का कर्तव्य है कि खुद के भी घर का वो जो काम किया ने उनको बताना चाहिए, शिवसेना का काम है। कई सालों से देख रहा हूं यहां पे, आपको लगता नहीं कि कंक्रीट की जगह पे सीमेंट रोड बनना चाहिए? हम लोग मांग की है कि यहाँ पे सीसी रोड होना चाहिए
और हम महापौर साहब के पास हम लोग हमारी शाखा प्रमुख सुनील मोरे फॉलोअप कर रहे और हम लोग पब्लिक को यहाँ पे हम लोग प्रॉमिस कर रहे कि हम लोग फॉलोअप करके किसी भी हालत में भले आमदार और नगर सेवक भाजपा के भले लक्ष्य न दे लेकिन हमारे शाखा प्रमुख शिवसेना के माध्यम से हम लोग सब मिलकर मेयर को विनंती करेंगे और यहाँ पे पब्लिक की तकलीफ हम दूर करने की कोशिश करेंगे। शाखा प्रमुख होने के नाते आपको उद्धव जी से डायरेक्ट मिलना चाहिए और ये समस्या बच्चों की है, उनसे निदान मानना चाहिए, वो करे क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ बीएमसी उनके अंडर में आती है। नहीं नहीं, आप जो बता रहे बीएमसी शिवसेना के पास है मगर यहाँ की जो लोकल कॉर्पोरेटर है उनके हाथ में, यहाँ के जो महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर है इंजीनियर है उनके हाथ में, आज उनके देखरेख के नीचे काम हो रहा है आज हर चीज में। आज यहाँ की जो आप गटर की हालत देखो, यहाँ की कचरा पीटी देखो, यहाँ के लोग परेशान हो गए कि यहाँ भाजपा की सत्ता होने के बावजूद इतनी तकलीफ लोगों को हर दम यहाँ पे हो रही है। यहाँ की तुम यहाँ ये रास्ते की हालत देखो, आज उनका काम है यहाँ के बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर को लेके आना, यहाँ के इंजीनियर को लेके आना, यहाँ के सहायक आयुक्त तो दो दिन पहले यहाँ पे राउंड मार चुके हैं मगर अभी तक उनको दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पे इतने सारे कड्डे बुझाना काम महानगर पालिका के उनके माध्यम से होना चाहिए। नहीं, आपको नहीं लगता कि क्योंकि शिवसेना का हिस्सा है, प्रमुख है? अरे हम हिस्सा है मगर यहाँ पे कॉर्पोरेटर भाजपा का, यहाँ पे एमएलए आशीष सेलर है, यहाँ पे एमपी पूनम महाजन है। आज जो फंड हमारे मेयर दे रहे कॉर्पोरेटर को, कॉर्पोरेटर ने यहाँ यूज करना चाहिए। आज ये खड्डे भरे उनको यहाँ पे उनका आना जाना है वो देख रहे, फिर भी यहाँ के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। महानगर पालिका ने इन्होंने यहाँ पर ये रोड आज की तारीख में आपको मालूम है सबसे ज्यादा ट्रैफिक का लोड ये रोड पे है, तो ये रोड के खड्डे बुझाना बहुत जरूरी है। फिर भी आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने पूरी तरह से दुर्लक्ष किया है। अरे ये उनकी शाम को इनकी ऑफिस की ओपनिंग है बीजेपी की तलगाला की, तो उस वक्त ये आंदोलन क्यों नहीं, आपने उस वक्त क्यों नहीं? उनके ऑफिस से ऊपर हमारों का निर्भर नहीं है, उनको उनकी सोच है। अगर उनको जरा भी पब्लिक का ध्यान है, उनको जरा भी लगता है कि पब्लिक ने हमें वोट दिया है तो आज का उद्घाटन वो कैंसिल करे। अगर हेतल जी गाला को आप अगर शाम को जाएगो अभी आप उनको मैसेज दो, अगर आपको जरा भी सोच है पब्लिक के बारे में जरा भी दिया है तो आप अपना उद्घाटन कैंसिल करके पहले इस रोड का काम करो। सर आपके मुताबिक लास्ट स्टेप क्या होने वाला है, अगर इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया तो आपकी तरफ से क्या स्टेप? हम लोग करेंगे शिवसेना का माध्यम से, हम लोग कुछ भी करके हम लोग ये रास्ता बना के लेंगे। पब्लिक आपके साथ है, पूरा शिवसेना के माध्यम से और ये रास्ता बनेगा।